हे वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ गौरव ग्राफिक्स। गाइस इस वीडियो में हम एक लोगो बनाने वाले हैं और लोगो का टेक्स्ट है फोटोग्राफी, और ये लोगो फोटोग्राफी से रिलेटेड है। सो इसका मैंने एक स्केच रेडी किया है। सो विथआउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम अपना इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे, और मैंने जो स्केच बनाया था वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे कंट्रोल प्लस वी की हेल्प से। सो मैंने एक ये रफ सा स्केच बनाया था, सो हम इसी को वेक्टराइज करेंगे। सो सबसे पहले हम इसको लॉक करेंगे, एंड गाइस हम इसको वेक्टराइज करेंगे अब। सो हम सबसे पहले ये वाली लाइन लगाएंगे इसमें, तो मैं यहां से लाइन ऐड करूंगा, और गाइस मैं अभी शिफ्ट प्रेस किया हूं जिससे ये लाइन स्ट्रेट रहे। सो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हम इसका स्ट्रोक इंक्रीज करेंगे कुछ इतना, एंड गाइस अब हम एक रेक्टेंगल लेंगे यहां पर, और रेक्टेंगल से हम ये वाली शेप बनाएंगे इसकी। एंड गाइस हम एक और रेक्टेंगल लेंगे इसके लिए। सो हम यहाँ से इसका ये वाला रेक्टेंगल बनाएंगे, एंड गाइस हम एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कुछ इतना, और इसको हम इसके पैरेलल लेकर आएंगे। ओके आई थिंक इट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। एंड अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम राउंड शेप में लेकर आएंगे। सो मैं इस वाले सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, एंड इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करूँगा, और हम इन दोनों को पकड़कर डाउन करेंगे। सो हमारी राउंड शेप आ चुकी है, और ये वाला पोर्शन हम डिलीट कर सकते हैं, तो हम इसको बाद में शेप बिल्डर टूल से डिलीट कर देंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा राउंड लेकर आएंगे। सो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एंड यहां पर क्लिक एंड ड्रैग इट। सो हमारी ये चीज़ भी आ चुकी है, और अब हम इसको भी हल्का सा राउंड करेंगे। सो मैं इसको जूम करूँगा, एंड इसके हम कॉर्नर्स को थोड़ा सा ही राउंड करेंगे कुछ इतना, आई थिंक थोड़ा और करेंगे हम। एंड गाइस हमारी आउटलाइंस क्रिएट हो चुकी हैं, अब हमें ये सर्कल ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस पूरे लोगो को, तो हम एक्सपेंड करेंगे इसको, एंड हम अब सेलेक्ट करके इसको शेप बिल्डर टूल से डिलीट कर सकते हैं, तो हम इसको डिलीट करेंगे जो अननेसेसरी पार्ट हैं। सो गाइस हमारा इतना लोगो कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसमें ये सर्कल ऐड करेंगे बीच का बीच इसमें। तो हम एक एलिप्स लेंगे, और यहाँ से हम इसको शिफ्ट प्रेस करके इंक्रीज करेंगे, और इसको हम स्ट्रोक में चेंज करेंगे, और इसका स्ट्रोक इंक्रीज करेंगे, एंड हम इस सर्कल को यहाँ पर मिडिल में ऐड करेंगे। एंड गाइस इसमें जो ये वाली लाइन बनी थी, तो हम इसके लिए अगेन इस सर्कल को कॉपी करेंगे। सो हम इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल प्लस सी से, एंड पेस्ट इन फ्रंट करेंगे कंट्रोल प्लस एफ से। और सो हमारा ये हो चुका है, अब इसकी हम साइज को छोटा करेंगे कुछ इतना। अब हम इन दोनों का स्ट्रोक एक सा करेंगे, और अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और एक्सपेंड। अब गाइस हमें इसको भी कट करना है,
तो हम इसके लिए यहाँ से पेन टूल ले सकते हैं। सो हम पेन टूल से यहाँ पर कट करेंगे और एक और पेन टूल लेंगे तो हम यहाँ पर यहाँ तक कट करेंगे इसको। एंड अब हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे अगेन एंड सेव बिल्डर टूल से हम ये वाली चीज़ डिलीट करेंगे और ये डिलीट करेंगे और ये, तो हमारी ये चीज़ भी आ गई। और अब हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करेंगे एंड इसको भी डिलीट कर देंगे, तो हमारी ये चीज़ आ चुकी है। एंड गाइस अब मैं इसमें ऑफसेट पाथ यूज़ करूँगा। सो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके ये पूरी शेप एक बनाऊँगा, तो मैं पाथ फाइंडर टूल से इस पूरे को एक शेप बनाऊँगा और इसको अब हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पाथ ऑफसेट पाथ और ये प्रीव्यू, और इसका हम ये पिक्सल थोड़ी कम करेंगे, तो मैं 6 करूँगा, आई थिंक 5, या 5 इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। एंड ओके करेंगे और इसको कलर देंगे कोई भी पिंक। एंड अब हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे एंड सेव बिल्डर टूल से हम ये डिलीट कर देंगे सारी चीज़ें। सो गाइस अवर कॉन्सेप्ट इज़ रेडी। एंड अब हमें इसकी टाइपोग्राफी करनी है, तो हम सबसे पहले अपना टेक्स्ट लेकर आएंगे, तो हम टेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और मैं इसी की कॉपी लूँगा। सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे, और इसमें मैं कोई फॉन्ट यूज़ करूँगा। सो मैं फॉन्ट इसमें यूज़ करके देखूँगा, मॉन्ट सैरेट या फिर रेले। आई थिंक ये रेलवे फॉन्ट अच्छी लग रही है। सो हम इसी को अब कॉपी लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम बाकी का टेक्स्ट कॉपी करेंगे। सो हमारा बाकी का टेक्स्ट ये था, तो हम इसको स्मॉल करेंगे और इसी की शेप में लेकर आएंगे। और गाइस इस लोगो की जो भी टैग लाइन होगी तो हम वो यहाँ पर लिख सकते हैं। सो हम टैग लाइन के लिए कुछ लिखेंगे, और इसमें मैं कोई लाइट सी फॉन्ट दूंगा, तो मैं इसी का कोई लाइट वर्जन यूज़ करूँगा, ये आई थिंक। और इन अक्षरों के बीच में मैं थोड़ा स्पेस दूंगा। सो हम यहाँ से कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे फॉर कंट्रोल पैनल, और यहाँ से हम इसमें गैप दे सकते हैं, तो यहाँ से मैं इसमें गैप दूंगा करीब 500 पिक्सल। सो और मैं यहाँ इसको ऐड करूँगा। तो गाइस अवर कॉन्सेप्ट इज़ रेडी, और अब हमने जो इमेज लॉक की थी उसको अनलॉक करेंगे और उसको डिलीट करेंगे। सो हमारा कॉन्सेप्ट रेडी हो चुका है, और अब हम इसकी थोड़ी टेक्स्ट को मॉडिफाई करेंगे। सो हम इसको लेकर आते हैं और यहाँ पर सेट करेंगे।
एंड गाइस ये वाला बटन थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको छोटा करूँगा। सो आई थिंक इट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। और अब हम इसमें कलर देंगे, तो हम कलर के लिए इसको चूज़ करेंगे और यहाँ से मैं कलर दूंगा इसमें, आई थिंक इसको हम ब्लैक ही रखेंगे, और इसमें हम ये ऑरेंज कलर देंगे और इसको भी हम ब्लैक रखेंगे और इसमें भी हम ऑरेंज कलर ही देंगे। एंड गाइस हम इन टेक्स्ट को कॉपी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड, और मैं इस फोटो को ऑरेंज कलर दूंगा और ग्राफिक को मैं ग्रे कलर दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ से ग्रे कलर दूंगा। और गाइस मैं इस टैगलाइन को भी मैं ये ऑरेंज कलर दूंगा और मैं यहाँ से इसको और इसको सेलेक्ट करूँगा और इसमें मैं ग्रे कलर दूंगा। सो गाइस अवर लोगो कॉन्सेप्ट इज़ रेडी। सो होप यू सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। इफ़ यू रियली लाइक दिस देन गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।